हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पांचवी कक्षा की हिंदी की क्लास में। पिछले सेशन में हमने पार्ट 10 टिमटिमाया धरती पर इसकी वर्कशीट का अभ्यास किया था। हिंदी में पार्ट 8 से लेकर 10 तक तीन पार्ट पूरे हो चुके हैं और इसकी वर्कशीट का भी अभ्यास हमने पूरा कर लिया है। तो इसके बाद तीन ही पार्ट बाकी रहेंगे और उसके बाद निबंध पत्र कहानी ये लिखवाऊंगी और विशेष प्रश्नोत्तर की चर्चा भी हम लोग करेंगे। आज हम पानी और धूप ये कविता का भावार्थ समझेंगे। पानी और धूप ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। कवियत्री का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ये कविता में वो कुछ पानी, धूप, बादल इसके बारे में अलग अलग कल्पनाएं करती है और प्रश्न पूछती है। और ऐसे ही बच्चों के मन में भी अलग अलग तरह के सवाल उठते हैं। उनकी दुनिया भी कल्पना की दुनिया होती है। उनको जैसे परियों की कहानी अच्छी लगती है, फिर उन लोगों के मन में अलग अलग प्रश्न भी उठते रहते हैं कि ये ऐसा क्यों। तो चलिए ये कविता का भावार्थ समझते हैं। पहले हम कविता को पढ़ लेते हैं। अभी अभी थी धूप बरसने लगा, कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल है किसके काका, किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। तो स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं कि बच्चे के मन में कैसे कैसे प्रश्न उठते हैं, धूप के बारे में, बादल के बारे में, सूरज के बारे में, इन सब के बारे में अलग अलग प्रश्न उसको उठते हैं। अभी अभी थी धूप बरसने लगा, कहाँ से यह पानी। कवियत्री कल्पना कर रही है कि अभी अभी तो धूप थी, धूप मतलब सूरज की रोशनी, सनलाइट थी। बरसने लगा कहाँ से यह पानी, बरसने मतलब रेनिंग, बारिश होना। तो ये बारिश कहाँ से होने लगी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। फोड़ मतलब तोड़ना, टू ब्रेक। घड़े मतलब जानते हैं मटके, पिक्चर्स, और बादल मतलब मेघ, क्लाउड, और शैतानी मतलब शरारत, मिस्चिफ। तो किसने ये बादल रूपी घड़े को तोड़ दिया है और ऐसे बादल के घड़े को फोड़कर किसने शरारत की है। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, दरवाजा मतलब डोर, द्वार। ऐसे बच्चों, आप जानते ही हैं जैसे जब बादल होते हैं तब सूरज दिखाई नहीं देता है। तो ये कवियत्री क्या कल्पना करती है कि सूरज ने अपने घर का दरवाजा क्यों बंद कर लिया है। फिर खुद ही जवाब दे रही है, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। वो सोचती है कि क्या जैसे बच्चों को उसकी माँ बुलाती है, ऐसे ही क्या सूरज को भी उसकी माँ ने बुला लिया और कहा कि आजा, ऐसी कल्पना करती है। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल है किसके काका। गरजना मतलब बादलों की जो आवाज आती है उसको गरजना कहते हैं, थंडर इंग्लिश में। तो ये जोर जोर से बादलों की आवाज आ रही है, तो बादल किसके काका है, किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। तो क्या कल्पना करती है, डांटना मतलब तेज आवाज में कहना, टू शाउट। तो कवित्री ये कल्पना करती है कि जो बादल गरज रहे हैं ये जैसे कि उसके काका जोर से डांटते हैं जब माँ की बात नहीं सुनते या माँ का कहना नहीं मानते हैं, तब जैसे काका जोर से डांटते हैं ऐसे ही है बादल किसके काका है और किसको डांट रहे हैं और किसने माँ का कहना नहीं सुना है। जैसे बच्चों, आपको पता ही होगा कि बादल कैसे बनते हैं। सूरज जब तपता है, सूरज की गर्मी से धरती पर का सभी पानी, नदी, तालाब, समुद्र आदि का पानी गर्म होता है और उसमें से जो भाप निकलती है उसी में से बादल बनता है।
और ये पानी बहुत ही साफ होता है, शुद्ध होता है, मगर यहाँ आते आते जो प्रदूषण है, धरती पर के प्रदूषण है, धुआं कचरा और ये सब मिलकर यहाँ ये पानी कई बार गंदा हो जाता है। तो बच्चों ये कविता का भाव यहीं पूरा होता है। धूप, सूरज की रोशनी, सनलाइट, बरसना, बारिश होना, रेनिंग, फोड़ना, तोड़ना, टू ब्रेक, घड़े, मटके, पिक्चर्स, बादल, मेघ, क्लाउड, शैतानी मतलब शरारत, मिस्चिप, दरवाजा, द्वार, डोर, गरजना मतलब बादलों की आवाज, थंडर, डांटना मतलब तेज आवाज में कहना, टू शाउट। तो बच्चों ये श्रुतलेख और शब्द अर्थ आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख लेने हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।